हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन पी मैथमेटिक्स। आज हम लोग सीएसआई नेट मैथमेटिक्स दिसंबर 2019 से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट बी से आया हुआ क्वेश्चन है। लेट एफ सी टू सी बी एन एंटायर फंक्शन। एक एफ फंक्शन दिया हुआ है जो सी टू सी पे डिफाइन है। किस तरह से डिफाइन है? एफ वन अपॉन एन इक्वल टू वन अपॉन एन स्क्वायर और एफ एंटायर फंक्शन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये क्वेश्चन आइडेंटिटी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। आइडेंटिटी थ्योरम का स्टेटमेंट है, लेट एफ एंड जी बी एन एनालिटिक फंक्शन इन अ डोमेन डी एंड लेट जेड बिलोंग्स टू डी एनी पॉइंट सच दैट एफ जेड इक्वल टू जी जेड। एक पॉइंट पे एफ जेड और जी जेड इक्वल है, हैज अ लिमिट पॉइंट इन डी और वो उसका लिमिट पॉइंट है डी में, लिमिट पॉइंट डी में बिलोंग करता है। देन एफ जेड इक्वल टू जी जेड फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू डी। सो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। गिवन है लेट एफ सी टू सी बी एन एंटायर फंक्शन विथ एफ वन अपॉन एन इक्वल टू वन अपॉन एन स्क्वायर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नाउ वी पुट वन अपॉन एन इक्वल टू जेड, सो सिंप्लीफाई होके फंक्शन आ जाएगा जी जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर। नेक्स्ट जी जेड इक्वल टू जी जेड स्क्वायर हमने डिफाइन किया है कैसे? एस एफ वन अपॉन एन इक्वल टू जी वन अपॉन एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब अगर हम देखें तो वन अपॉन एन का लिमिट पॉइंट जीरो है और जीरो कॉम्प्लेक्स जो हमारा ये डोमेन है, डोमेन क्या है हमारा? सी टू सी दिया हुआ है ना, तो डोमेन यहाँ से क्या है? सी, सी हमारा डोमेन है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जीरो लिमिट पॉइंट है वन अपॉन एन का, विच इज़ बिलोंग्स टू सी। देन बाई आइडेंटिटी थ्योरम एफ जेड इक्वल टू जी जेड, तो जी जेड हमने कंसिडर किया था ये, तो यहाँ से एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो हमारा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन थर्ड क्या दिया हुआ है। एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, और इसमें क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में नो सच फंक्शन एग्जिस्ट, बट हमारे पास तो ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। और ये लिखा है सच एन एफ इज़ नॉट यूनिक, जबकि यूनिक है, नीड नॉट टू बी पॉलीनोमियल, जबकि जेड स्क्वायर पॉलीनोमियल है। तो ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे और थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पार्ट बी से क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्वेश्चन में एफ जेड हमें इस तरह से डिफाइन है, ठीक है। जेड नॉट इक्वल टू जीरो पे एफ जेड की वैल्यू ये है और इसके अलावा कहीं पे भी वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है। देन हमें ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम कभी कभी ये ध्यान नहीं देते कि ट्रू और फॉल्स, और हम ट्रू के भरोसे टिक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, तो इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देन फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? एफ एस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन देखते हैं, और देखिए सेकेंड में हमें एनालिटिसिटी के बारे में पूछा है, फिर थर्ड में कोशी रिमान के बारे में पूछा है। तो हम इन सबकी पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन एफ डी टू सी, डोमेन डी है, एफ डी टू सी इज़ अ कंटिन्यूस एट जेड जीरो बिलोंग्स टू डी। कोई एक पॉइंट जेड जीरो पे जो डोमेन से लिया हुआ है उस पर फंक्शन कंटिन्यूस है, इफ़ एंड ओनली इफ लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करे उस पॉइंट पे और इक्वल हो द फंक्शनल वैल्यू, मतलब फंक्शनल वैल्यू एफ जेड जीरो के इक्वल आनी चाहिए ये वाली वैल्यू, तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। देन नेक्स्ट डिफ्रेंशिएबिलिटी के लिए क्या देखते हैं हम? लेट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी, सॉरी यू प्लस आयोटा वी बी अ फंक्शन डिफाइन ऑन अ डोमेन डी। देन अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफ्रेंशिएबिलिटी, डिफ्रेंशिएबिलिटी के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो क्या होती है? यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई ये चारों एक्जिस्ट करने चाहिए एंड सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। सी आर इक्वेशन क्या होती है? डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, या डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू जीरो। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? देखिए ये तीनों एनालिटिक फंक्शन की ही डेफिनेशन है। अगर हम देखें तो अ वन वैल्यूड फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट द पॉइंट जेड जीरो इफ एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन एनबीटी ऑफ जेड जीरो नॉट ओनली एट जेड जीरो, या फिर एफ एनालिटिक है अगर वो रेगुलर है एट एवरी पॉइंट डी पे। फंक्शन एफ ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड इज एनालिटिक इन एन ओपन सेट If it has derivative at each point in that set, इन तीनों से एक ही मतलब है कि फंक्शन एनालिटिक होगा अगर वो डिफरेंशियबल है। डिफरेंशियल कब होगा?
जब वो कोशी रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो ये कंडीशन से हम आगे क्वेश्चन करेंगे। अब हमारे क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर जेड बिलोंग्स टू सी, एफ जेड इक्वल टू जेड बार स्क्वायर अपन जेड, इफ जेड की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, अदरवाइज फंक्शन की वैल्यू हमारी जीरो है। इस तरह से हमारा फंक्शन डिफाइन हुआ है। तो अब फर्स्ट ऑप्शन में हमें कंटिन्यूटी के बारे में पूछा है। सो वी नो दैट अ फंक्शन एफ डी टू सी इज कंटिन्यूट एट जेड जीरो बिलोंग्स टू डी इफ़ एंड ओनली इफ, हमने क्या देखा था कि फंक्शन कंटिन्यूस होता है इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन लगती है इफ़ लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड एग्जिस्ट एंड इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू एफ जेड जीरो, ठीक है। और एक बात और होती है कि जब भी लिमिट एग्जिस्ट करती है जेड टेंस टू जेड जीरो पे, तो वो हमेशा यूनिक होती है। अगर यूनिक ना मिले इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कंटिन्यूटी नहीं होगी उस फंक्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो हम जानते हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो जेड बार क्या हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई, और यहाँ से जेड बार स्क्वायर हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई होल। ऑप्शन वन में वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जीरो जेड बार स्क्वायर अपन जेड, जेड बार की वैल्यू एक्स माइनस आयोटा वाई होल स्क्वायर एंड जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ से हम लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए किसी पाथ को कंसिडर करते हैं वाई इक्वल टू एम एक्स, तो y इक्वल टू एम एक्स यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस आयोटा एम एक्स होल स्क्वायर अपॉन x प्लस आयोटा एम एक्स, और एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो सिंस z टेंस टू जीरो सो एक्स वाई टेंस टू जीरो जीरो। फिर यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ से x, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी जीरो, और फंक्शन की वैल्यू क्या है f जीरो की वैल्यू भी जीरो है। तो यहाँ से हमें लिमिट मिल गई जो कि यूनिक भी है और एग्जिस्ट करी है z जीरो पे, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है एवरीवेयर। तो और फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है फंक्शन कंटिन्यूस है, तो वो तो ट्रू स्टेटमेंट है, और हमें बताना फॉल्स स्टेटमेंट, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ से। देन नेक्स्ट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, हमारा जो सेकंड ऑप्शन है उसमें क्या पूछा हुआ है कि फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। एनालिटिसिटी के लिए हमने बताया था कि फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, तो यहाँ से हम फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी हमने देखा था कोशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो कोशी रीमान इक्वेशन डेल एफ अपन डेल जेड बार इक्वल टू जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो डेल एफ अपन डेल जेड बार अप्लाई करेंगे तो डेल जेड बार यानी जेड बार के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी टू जेड बार अपन जेड। अब सिंस जेड नॉट इक्वल टू जीरो सो जेड बार इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, सो यहाँ से डेल एफ अपन डेल जेड बार नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसका मतलब एफ जेड इस कंडीशन में कोशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो एनालिटिक भी नहीं है। इसका मतलब जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो तो ट्रू हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन ट्रू होने का मतलब हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, तो सेकंड ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। और फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया हुआ, देखिए फिर से हम ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में तो यही दिया हुआ है कि एफ एस इज नॉट एनालिटिक, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। फर्स्ट हमने ट्रू देखा था, फोर्थ में बोला है कि एफ एस इज एनालिटिक, तो ये हमने देख लिया कि एनालिटिक तो है नहीं, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। वैसे ये पार्ट बी से आया क्वेश्चन है, तो थर्ड ऑप्शन ऑलरेडी इनकरेक्ट, बट हम इसे भी चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन में देखिए हमें जेड एफ सेट के बारे में बताना है कि जेड एफ सेट कोशी रीमान को इक्वेशन कोशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं जीरो पे, तो जेड एफ सेट क्या हो जाएगा मोड सॉरी जेड बार स्क्वायर जेड नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, और कोशी रीमान इक्वेशन डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू जीरो होती है या फिर ये होती है, तो डेल एफ अपॉन डेल जेड बार, और हमारा फंक्शन क्या है जेड एफ जेड है, तो इसका जेड बार के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा टू जेड बार, और एट जेड इक्वल टू जीरो पे हमें इसकी कोशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करती है कि नहीं बताना है। तो जेड इक्वल टू जीरो होगा तो उस कंडीशन में जेड बार भी जीरो होगा, तो यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल जेड बार क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जेड एफ जेड कोशी रीमान इक्वेशन को एट जेड इक्वल टू जीरो पे सेटिस्फाई करता है, तो ऑप्शन थर्ड भी हमारा ट्रू हो गया। ट्रू है इसका मतलब फॉल्स हो गया, क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट्स बताने हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन ये तीनों ट्रू होने की वजह से ये इनकरेक्ट हो गए, और हमें फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया है पावर सीरीज से, क्वेश्चन दिया हुआ है पावर सीरीज है एफ जेड इक्वल टू सम ऑफ एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन जेड की पावर टू एन प्लस वन अपॉन टू एन फैक्टोरियल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। पार्ट सी से आया क्वेश्चन है, इसका मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। एफ जेड गिवन है एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन जेड की पावर टू एन प्लस वन अपॉन टू एन फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको हम
ओपन करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, जेड की पावर 2n प्लस 1 है, तो यहाँ पे जेड की पावर 1 और जेड 2n, ठीक है। अब अगर हम देखें तो जेड को तो हम यहाँ से बाहर ले लेते हैं और अंदर n की वैल्यू सप्लाई करेंगे, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, तो सिंप्लीफाई होके क्या जाएगा, 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ से ये फॉर्मूला किसका होता है, कोस जेड का, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, जेड कोस जेड। अब जेड एनालिटिक है, कोस जेड एनालिटिक है, तो जेड कोस जेड भी एनालिटिक होगा एवरीवेयर। कोस जेड का अगर हम ग्राफ देखें तो वो इस तरह से होता है, ठीक है, ये इस कंडीशन में जो ग्राफ बना हुआ है, और इसके पास में इनफाइनाइट मेनी जीरोज़ होंगे, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी आ जाएगी। तो अब अगर हम ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज़ इनफाइनाइट, तो ये ट्रू हो गया क्योंकि हमने देखा है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी आ गई क्योंकि इसके पास इनफाइनाइट मेनी जीरोज़ है। और फोर्थ ऑप्शन में क्या है, इनफाइनाइट मेनी जीरोज़, तो ये दोनों ऑप्शन तो करेक्ट हो गए। अब ऑप्शन थर्ड देखते हैं, तो इसके लिए हमने क्या देखा था अभी, एफ जेड हमारे पास क्या आया, जेड कोस जेड, तो मोड ऑफ एफ जेड क्या आ जाएगा, मोड ऑफ जेड कोस जेड, ठीक है, और विच इज़ लेस एन इक्वल टू मोड सेट मोड कोस सेट, जैसे हम करते हैं ना मोड ऑफ ए बी लेस एन इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, उसी तरह से कोस सेट मोड ऑफ कोस सेट 1 होगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा सेट। तो सिंप्लीफाई होके फंक्शन क्या मिला, एफ मोड ऑफ एफ सेट क्या मिला, मोड ऑफ एफ सेट इज़ लेस एन इक्वल टू मोड ऑफ सेट। अब अगर हम इसे x के टर्म में लिख लें, कि हमारा थर्ड ऑप्शन जो है, सॉरी हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें क्या दिया हुआ है, द सेट एफ एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू r इज़ बाउंडेड, तो अगर हम एफ सेट को x की फॉर्म में लिखें तो मोड ऑफ एफ, यहाँ से मोड ऑफ एफ एक्स लेस एन इक्वल टू मोड ऑफ x, बट x बिलोंग्स टू r, तो x r में बिलोंग करता है, तो यहाँ पे अगर हम r की कोई भी वैल्यू रखें तो ये बाउंडेड नहीं आएगा, सॉरी x की कोई भी वैल्यू रखें तो बाउंडेड नहीं आएगा क्योंकि x की वैल्यू r में से ली गई है। तो अगर r टेंस टू इन्फिनी x टेंस टू इन्फिनिटी हो तो उस कंडीशन में फंक्शन अनबाउंडेड हो जाएगा, तो ऑप्शन सेकेंड हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच में अगर ले तो इस कंडीशन से हमारा फंक्शन बाउंडेड हो जाएगा क्योंकि x की जो वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर माइनस वन से प्लस वन के बीच ही आएगी, कोई वैल्यू जो भी आएगी, तो यहाँ से fx बाउंडेड हो जाएगा, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और फोर्थ हमने पहले ही करेक्ट कर दिए थे, तो सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पार्ट सी से आया क्वेश्चन है। फंक्शन एफ दिया हुआ है, सी टू सी पे एनालिटिक है, फॉर जेड जीरो बिलोंग्स टू सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। तो देखते हैं, एफ सी टू सी पे एन एनालिटिक फंक्शन फॉर जेड जीरो बिलोंग्स टू सी। फर्स्ट ऑप्शन है, एफ कैन टेक वैल्यू जेड जीरो एट फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स इन वन अपॉन एन, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेकेंड है, एफ वन अपॉन एन इक्वल टू जेड जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इम्प्लाई सेट एफ इज द कॉन्स्टेंट फंक्शन जेड जीरो। तो दोनों ऑप्शन देखते हैं, यह आइडेंटिटी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा हमने पार्ट बी में किया था। तो एफ एन एफ वन अपॉन एन इक्वल टू जेड जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन जी जेड कंसिडर करेंगे जेड जीरो, तो एफ इक्वल टू जी ऑन डोमेन डी, डोमेन क्या है हमारा सी, डोमेन हमारा सी है, पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है। और अगर हम वन अपॉन एन के लिमिट पॉइंट देखें तो वन अपॉन एन का लिमिट पॉइंट जीरो है जो बिलोंग करते हैं सी में, तो यहाँ से आइडेंटिटी थ्योरम से एफ इक्वल टू जी ऑन सी, तो अगर f इक्वल टू जी है तो यहाँ से एफ जेड इक्वल टू जी जेड, क्योंकि हमने जी जेड जेड जीरो कंसिडर किया था, तो एफ जेड इक्वल टू जी जेड इक्वल टू जेड जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होने का मतलब जो हमारे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है वो दोनों करेक्ट हो जाएंगे। फिर थर्ड ऑप्शन क्या है, एफ एन इक्वल टू जेड जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इम्प्लाई सेट एफ इज़ द कॉन्स्टेंट फंक्शन जेड जीरो। एंड फोर्थ है, एफ आर इक्वल टू जेड जीरो फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू क्यू इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 1 to 2, इम्प्लाई सेट एफ इज़ अ कॉन्स्टेंट फंक्शन जेड जीरो। तो थर्ड के लिए हमको एक काउंटर एग्जाम्पल ले लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि एफ एन इक्वल टू जेड जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो उस कंडीशन में फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा। तो थर्ड के लिए हम काउंटर एग्जाम्पल लें, अगर हम एफ जेड इक्वल टू ई की पावर 2πi आयोटा जेड लें और जेड जीरो इक्वल टू 1 लें, देन एफ एन इक्वल टू 1 फॉर एवरी नेचुरल बिलोंग फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट एफ जेड नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर हम जेड की वैल्यू 0 रखें तो उस कंडीशन में एफ जेड 1 है, बट आइडेंटिकली एफ जेड 1 नहीं होगा ऑन सी, ठीक है, क्योंकि अगर हम जेड 0 1 ले रहे हैं तो उस कंडीशन में फंक्शन आइडेंटिकली इक्वल टू 1 नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है,
एफ आर इक्वल टू जेड जीरो फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू क्यू. क्यू क्या है यहाँ पे? रेशनल नंबर्स है. इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 1 to 2. देन फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा. तो फोर्थ ऑप्शन में अगर हम देखें तो एफ जेड इक्वल टू जेड जीरो आर बिलोंग करता है क्यू इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 1 to 2. तो अगर हम ई को कुछ मतलब इसे एक सेट इस तरह से कंसिडर करें वेयर जी जेड इक्वल टू एफ सेट, तो अगर ई के लिमिट पॉइंट देखें तो वो क्या हो जाएंगे, अगर यहाँ से अगर हम इस सेट के लिमिट पॉइंट देखें तो वो क्या हो जाएंगे, 1 to 2 क्लोज इंटरवल 1 to 2 इसके लिमिट पॉइंट इसके अंदर होंगे. तो और जो ये लिमिट पॉइंट है ये सी में बिलोंग करते हैं, तो बाई आइडेंटिटी थ्योरम एफ सेट क्या हो जाएगा, जेड जीरो के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा. तो हमने कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट देखे, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ. तो हमारे फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा. अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.